लेकिन आज इस देश के अंदर लोगों ने बोलना छोड़ दिया है। आज अगर इस देश के अंदर बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो लोग एक दिन दो दिन कैंडल लेकर निकलते हैं, सड़कों पर मोमबत्तियां जलाते हैं और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। बाहर निकालकर एक महिला जिसने शिक्षा के बारे में सोचा, एजुकेशन के बारे में सोचा। शिक्षा सर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है इस देश के अंदर। लोग आपको ये तो कह देते हैं कि अपनी छुरियों में धार लगा लो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अपनी कलम में धार लगा लो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो धारेगा। इस देश के अंदर कानून और संविधान की जानकारी जिस व्यक्ति के पास है, समझ लीजिए उसका कभी शोषण नहीं हो सकता इस देश के अंदर। तो अगर शोषण से बचना है और देश को बचाना है तो देश के संविधान को आपको जरूर पढ़ना होगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पत्थर लगाए मेरे दर्द हो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने एक पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ ने आपको फल दिए, आपने मेरे पत्थर मारा लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में, आजाद ना कभी ये भारत हुआ होता। तो देश की आजादी में और देश के संविधान में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 32 से ज्यादा डिग्रियां लेने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो इस देश को एक ऐसा संविधान देके गए जिसने इस देश के लोगों को एक समान हक और अधिकार दिया, चाहे वो राइट टू स्पीच का अधिकार हो, राइट टू फ्रीडम का अधिकार हो। अगर आज मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूं तो ये अधिकार जो मुझे बोलने का जो अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, जो अधिकार है राइट टू स्पीच का, जो अधिकार आपको और मुझे हर एक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार देता है। लेकिन आज इस देश के अंदर लोगों ने बोलना छोड़ दिया है। आज अगर इस देश के अंदर बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो लोग एक दिन दो दिन कैंडल लेकर निकलते हैं, सड़कों पर मोमबत्तियां जलाते हैं और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सर हम उस देश में रहते हैं जिस देश में नारी के सम्मान में लंका दहन हो गई, रामायण और महाभारत हो गई। लेकिन आज आप इस देश के अंदर अगर आज आप देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति क्या है। खैर ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं इस पर कोई राजनीतिक चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक महिला के बारे में याद दिलाना चाहता हूं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के बारे में। आपको याद होगा वो वक्त, वो दौर, जिस दौर के अंदर सती प्रथा के चलते अगर किसी के पति की डेथ हो गई तो उसको उसकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। सती प्रथा के बारे में आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने पढ़ा भी है। इसके बाद आपने देखा होगा कि अगर मुस्लिम्स में तो मुस्लिम्स में ब्लैक हंटिंग के नाम पर, यानी काले जादू के नाम पर जो है वो महिलाओं को मार दिया जाता था। एक ऐसे समाज से बाहर निकालकर एक महिला जिसने शिक्षा के बारे में सोचा, एजुकेशन के बारे में सोचा। शिक्षा सर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है इस देश के अंदर। लोग आपको ये तो कह देते हैं कि अपनी छुरियों में धार लगा लो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अपनी कलम में धार लगा लो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो धारेगा। जिसके पास एजुकेशन है ना, आप ये समझ लीजिए उसके पास वो ताकत है कि वो हर एक व्यक्ति से लड़ सकता है। इस देश के अंदर कानून और संविधान की जानकारी जिस व्यक्ति के पास है, समझ लीजिए उसका कभी शोषण नहीं हो सकता इस देश के अंदर। तो अगर शोषण से बचना है और देश को बचाना है तो देश के संविधान को आपको जरूर पढ़ना होगा। और आपने देखा होगा कि हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस दौर में भी जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो जिक्र होता है गौतम बुद्ध का भी। तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा किस्सा, मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा है। तो गौतम बुद्ध जो है वो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे वहां पर आ जाते हैं और उस पेड़ के ऊपर जो फल लटके होते हैं उनको, फलों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो उठा के पत्थर मार रहे होते हैं। जब वो पत्थर मार रहे होते हैं तो एक दो फल नीचे गिरते हैं, लेकिन जब वो तीसरा पत्थर मारते हैं तो पत्थर जो है वो बुद्ध के जो है वो महात्मा बुद्ध के सर पर जाकर लग जाता है और उनके खून निकल कर आ जाता है। तो महात्मा बुद्ध जो है वो रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो बच्चे उनसे जाकर माफी मांगते हैं कि हमने एक गुरु की तपस्या को भंग कर दिया, हम आपसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो गौतम बुद्ध का बड़ा ही खूबसूरत जवाब होता है, सुनिएगा वो जवाब क्या होता है। वो जवाब ये होता है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पत्थर लगाए मेरे दर्द हो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने एक पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ ने आपको फल दिए, आपने मेरे पत्थर मारा लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं।
तो वो आदर्श इस देश के अंदर गौतम बुद्ध के थे, जिन्होंने इंसानियत और मानवता को सर्वोपरि समझा। तो हमारे लिए जाति धर्म मजहब से ऊपर है इंसानियत और मानवता। और मैं इस अवार्ड के लिए मैं अपने सभी बड़े भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, सुनील जी का, ललित भाई का, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें। और हमारे माननीय सांसद जी राजमणि पटेल जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।